सेकेंड है हमारा टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में कैसे आपका नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ है ये हमें पढ़ना है. इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century यूरोप विल बी यूरोप यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टूडे. तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो मैप है ये यूरोप का मैप है जो कि 1815 के बाद का मैप है, और ये मैप जो है आज के जैसा मैप नहीं आपको दिख रहा होगा. यहाँ पर हर चीज़ जो है वो बिखरी हुई है, हर चीज़ स्प्रेड हुई है, ठीक है. ये भले ही मैप दोबारा बनाया गया 1815 में, लेकिन ये मैप जो है अभी इस टाइम जो आप मैप देखते हैं ये मैप से काफ़ी अलग है. यूरोप का जो अभी मैप है उससे काफ़ी अलग है, ठीक है. यहाँ पर जो है आपको हर चीज़ अलग दिखेगी, सारी कंट्रीज़ अलग दिखेंगी, सबकी अपनी लैंग्वेजेस होगी, सबका अपना अपना एक तरीका होगा, अपना एक कल्चर होगा. तो इन सभी डिफरेंसेस के बावजूद भी पूरे यूरोप में कैसे नेशनलिज्म होगा ये सोचने वाली बात है. इसमें अभी आपने जो भी देखा, जैसे कि आप इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड को देखते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था. सब पहले क्या थे वहाँ पर जो थे वो डचेस थे, वहाँ पर जो थे लोगों का अपना एक मतलब किंगडम था, कुछ किंगडम्स थे वहाँ पर, डचेस थे तो कहीं पर कैटिन्स थे, सबके अपने अपने क्या थे रूलर्स थे, सभी क्या थे अलग अलग जगह पर बटे हुए थे, कोई कहीं पर भी सेम नहीं था. ये जो यूरोप में जब नेशनलिज्म हुआ है वहाँ पर हर चीज़ जो थी वो अलग अलग थी, ठीक है. अब यहाँ पर समझते हैं क्या क्या चीज़ था. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स. मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग थे पूर्वी और मध्य में जो भी लोग थे वो अलग अलग तरह से रहते थे, सब अपने अलग अलग थे, ठीक है. किसी का कुछ भी सेम नहीं था. दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर, ठीक है. वहाँ पर किसी का भी क्या था कोई भी कॉमन कल्चर नहीं था, वो अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी भी संस्कृति का भागीदार नहीं मानना चाहते थे, ठीक है. वो उनको जो लगता था कि हम जो है ऐसे ही ठीक है. ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. यहाँ तक कि वो सब क्या थे डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट ग्रुप्स से थे, ठीक है. सबकी अपनी अपनी एक बोली थी, अपनी अपनी एक जाति थी, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं था. इतनी ज़्यादा वहाँ पर जो थी वो डिफरेंसेस थे, डाइवर्सिटी थी, लेकिन फिर भी लोगों को अभी कैसे किस तरह से उसमें नेशनलिज्म होगा अभी आप देखेंगे. इवन यहाँ पर ये भी था द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैटवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स. यहाँ तक कि क्या हुआ कि जैसे उदाहरण के लिए अगर आपसे कहा जाए कि ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला जो हैब्सबर्ग था वो कई अलग अलग देशों में क्या था क्षेत्रों में और जन समूहों में जोड़ करके जो बना था, ठीक है. इसमें जो एल्प्स के जो टिरोल थे, ऑस्ट्रिया के सुडेनिन लैंड थे जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ पर क्या था कि कुछ लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, जैसे कि क्या बोलते थे दे स्पीकिंग जर्मनी, ठीक है, वो जर्मन बोलते थे. इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लैम्बर्ली एंड विंटिया. मीन्स विनिटिया यहाँ पर क्या था कि जो लोग थे उसमें कहीं हैब्सबर्ग साम्राज्य में जो लैम्बर्डी और विनिशिया वाले जो थे प्रांत थे वहाँ पर लोग कुछ इटली बोलते थे, ठीक है, वहाँ के लोग. और जो मेजर पोर्शन था बिसाइड्स दीज आर डोमिनेंट ग्रुप्स देर आर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल्स वुमेन्स एंड स्लोव्स ऑफ द नॉर्थ स्लोवेंस इन कर्नियोला क्रॉट्स टू द साउथ एंड रोमन्स इन द ईस्ट इन ट्रांसलियन. मीन्स यहाँ पर क्या था कि सब जगह लोग थे वो अलग अलग थे, ठीक है, सब लोग अलग अलग बोलते थे. जैसे हंगरी में आधे लोग मैग्यार बोलते थे जबकि बाकी लोग क्या बोलते थे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे. जैसे गैलेशिया में लोग क्या करते थे कि वहाँ पर पॉलिश बोलते थे, सब अलग अलग लैंग्वेजेस वहाँ पर यूज़ करते थे. और द ओनली टाई बिल्डिंग दीज डाइवर्सी ग्रुप डाइवर्स ग्रुप टुगेदर एज अ कॉमन एलिगेंस
टू द एम्परर। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऐसा फ़र्क सिर्फ पॉलिटिकल जो है उसको मतलब कि जो है उसको बढ़ावा देने वाला नहीं था, इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला केवल तत्व है। तो वह क्या है, सबकी एक अपनी क्या होनी चाहिए, सबके प्रति क्या होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, सबके प्रति क्या होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, तो राष्ट्रवाद और जो उसके बीच में जो विचार है वो कैसे आएगा, यहाँ पर कैसे चेंजेस होंगे, सबके तो अपने अलग अलग विचार हैं, ठीक है, कोई कुछ बोलता है, कोई कोई लैंग्वेज बोलता है, ये सारी चेंजेस के बावजूद भी लोगों के बीच में कैसे नेशनलिज्म आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, सब इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए हैं, जैसे कि 1797 में क्या हुआ था कि नेपोलियनिक वॉर्स बिगिन, ठीक है, नेपोलियन का क्या होने लगा, वॉर स्टार्ट हो गया था, मतलब नेपोलियन आ गया था, ठीक है, जो थे वो स्टार्ट हो गया था, आ चुका था। लेकिन 1814 से 1815 के बीच में क्या हो गया, फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट, यहाँ पर क्या हो गया, नेपोलियन आया 1814 के बाद, हार चुका था, हार गया, और उसकी जगह पर जो है वो प्राप्त आ चुके थे, मींस प्रुशिया, रशिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, एंड वहाँ पर क्या हुआ था, ये सारे जो नेशंस थे वो अब मिल करके जो है नेपोलियन को हरा दिए। और नेपोलियन को हारने के बाद वहाँ पर जो है एक वहाँ पर जो है ट्रीटी वहाँ पर साइन हुई, वहाँ पर क्या हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी, और उस ट्रीटी में जो है ट्रीटी ऑफ वियना जो साइन हुआ था, जिसके कारण जो है लोगों के बीच में जो है नेपोलियन हट चुका था, अब वहाँ पर फिर जो है एक अलग जो है नेशन बन गया, मतलब अपना एक अलग जो है वहाँ पर राज चलने लगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1821 में जो है वो ग्रीक ने स्ट्रगल करके खुद को इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया, एंड 1848 में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिस रिवॉल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे आप वहाँ पर देखेंगे चीज़ें, वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर मिडिल क्लास वगैरह बहुत सारी वहाँ पर लैंग्वेजेस सॉरी वहाँ बहुत सारी कैटेगरीज आप देखेंगे। फिर 1859 और 1817 में क्या हुआ, यहाँ पे यूनिफिकेशन हुआ इटली का, एंड 1868 और 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, ये मीन्स जर्मनी जो है ये एक कंबाइंड होकर के एक नेशन बन चुका था। एंड 1905 में स्लैव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर्स, और फिर इन 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में क्या होने लगा, वहाँ पर स्लेव जो है वो राष्ट्रवाद के रूप में मजबूत होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें ये पॉइंट्स इसमें बताए गए, बट आपको अब यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सारे नेशंस के लोगों की लैंग्वेजेस अलग हैं, सबके थॉट्स अलग हैं, उनको कैसे हम एक करें। तो यहाँ पर जो है एक दो वर्ग बने थे, दो सोसाइटी बनी थी, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ये क्या थे। इसी के ही बीच में एक और है पीजेंट्री, वो भी आप देखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि सोशली एंड पॉलिटिकली अलैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, मीन्स सामाजिक और राजनीतिक रूप से देखें तो जो एरिस्टोक्रेस थे वो बहुत ही क्या थे, अमीर लोग थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा क्या थे, पावर्स थे, और मतलब कि जो कॉन्टिनेंट थे यूरोपीय कॉन्टिनेंट में उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स थे। द मेम्बर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाई अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, इस वर्ग के सदस्य जो थे एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, मतलब कि जो मतलब कि वहाँ पर क्या थे, सब आपस में एक दूसरे से बंधे थे, मतलब जो अमीर थे सिर्फ वही, ठीक है। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, ठीक है, वो ग्रामीण इलाकों में क्या थे, उनके बहुत सारे जायदाद थे, और शहरों में भी उनकी बहुत सारी हवेलियाँ थी, वो हवेलियों के मालिक थे, ठीक है, बहुत सारे टाउन हाउसेस थे उनके पास। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेंसी एंड इन हाई सोसाइटी, वो क्या करते थे, बहुत ही हाई सोसाइटी के थे, और जो लैंग्वेज थी उनकी वो फ्रेंच थी, वो फ्रेंच यूज़ करते थे, ठीक है। और उसमें क्या होता था कि देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टीज ऑफ मैरिज, अक्सर उनके लोग आपस में जो है वो शादी विवाह में बंध जाते थे, मीन्स जो अमीर लोग थे उनके रिश्ते आपस में बंधे हुए रहते थे, ठीक है, मतलब सब अमीर लोग हैं, अमीर से ही शादी हो जाती थी, उनके रिश्ते बंध जाते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकली
अ स्मॉल ग्रुप. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पावरफुल लोग थे, इनके जो जो ये जिनके जायदाद ज़मीन ज़्यादा थी, इनकी जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी. ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत ज़्यादा संख्या में ये लोग नहीं थे. बट यहाँ पर क्या था, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री. एक और यहाँ पर वर्ग था, नया एक यहाँ पर एक नया सोशल था. ठीक है, ये सोसाइटी थी पीजेंट्री. देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका यूरोप है, यहाँ पर क्या हुआ कि कई सारी सोसाइटी थी, पीजेंट्री थी एंड एरिस्टोक्रेसी था. इसके अलावा एक द न्यू मिडिल क्लास नाम की एक सोसाइटी थी. एरिस्टोक्रेसी वाले क्या थे, बहुत ही अमीर होते हैं लेकिन संख्या में बहुत ही कम होते हैं, और उनके पास जितने भी राइट्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं. जबकि जो पीजेंट्री वाले लोग हैं वो गरीब हैं और उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनके पास कोई भी राइट नहीं है, कोई भी नियम नहीं है कि उनके साथ कभी भी कुछ भी हो जाए, उनका कोई भी साथ देने वाला नहीं था. लेकिन इनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म बाई टेनेंट्स एंड द स्मॉल ओनर्स, वाइल इन ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड लॉन्डिंग वॉज कैरेक्टराइज वास्ट इस्टेट्स विच वर कल्टिवेट्स बाई सर्फस. मीन्स यहाँ पर क्या था कि पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर क्या थे, लोग छोटे छोटे किराएदार रहते थे वहाँ पे, छोटे काश्तकार जो खेती वगैरह करते थे, और जो पश्चिम में से मिडिल वाले बीच मिड यूरोप है वहाँ पर क्या था कि बहुत सारी ज़मीन थी और जहाँ पर जो थे वो बहुत सारे वहाँ पर क्या थे, मतलब कि जो लोग थे वो ज़मीन ले करके रहते थे. ठीक है, वहाँ पर मतलब कि किराए पे रहते थे और वहाँ पर जो है अपना जो है जीवन जो है वो स्पेंड करते थे, लाइफ स्पेंड करते थे. इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मेड एंड ट्रेड मेन द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड द इमरजेंस ऑफ द कमर्शियल क्लासेज हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट. यहाँ पर क्या हुआ कि वेस्टर्न साइड में और जो मिड यूरोप था उसमें जो अधिकांश जो जगह पे जो लोग रहते थे उनका मेन जो जीवन था वो वहाँ पर जो फसल थी वो अगर अच्छे से ग्रोथ कर जाए तो उसी पर डिपेंडेंट थी. और सॉरी, जो वहाँ पर मतलब कि जो मार्केट है वो अच्छे से अगर वहाँ प्रोडक्शन होता था तो उसी पे क्या थी, डिपेंडेंट थी. तो टोटल मिलाकर बस ये समझिए कि इंग्लैंड में क्या हुआ था कि जैसे कि वहाँ पर क्या था 18 में, जैसे दूसरे भाग में जो जिस तरह से वहाँ पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन फ्रेंच और जर्मनी में जो थे वो 90s के मतलब कि बीच में हुआ था. लेकिन यहाँ पर जो है आप देखेंगे जैसे कि सब में जो है अलग अलग टाइम से हुआ है नेशनलिज्म, लेकिन ऐसा मतलब एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्री के बीच में ऐसा कैसे हो गया कि उन लोगों ने जो है वहाँ पर भी नेशन को स्टेबलाइज किया, नेशनलिज्म जो है वो स्टार्ट की. ठीक है, उनके बीच में क्या हुआ, इन इट्स वे अ न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड द मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स. यहाँ पर क्या हुआ कि इनके बीच में एक न्यू मिडिल क्लास आया. ठीक है, जैसे कि पीजेंट्री और एरिस्टोक्रेसी थे वो तो एकदम ही, उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. ठीक है, क्योंकि पीजेंट्री वाले बेचारे गरीब हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा नॉलेज है और ना ही कोई पावर है, बस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. और जो एरिस्टोक्रेसी वाले हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है. ठीक है, संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं, आराम से रहते हैं. बट यहाँ पर क्या है कि एक नया जो है उनके बीच में सोसाइटी आई, द न्यू मिडिल क्लास. उन लोगों ने क्या किया कि जो पीजेंट्री वाले थे उनको सपोर्ट करने के लिए, और पीजेंट्री वाले भी आपको पता है कि न्यू मिडिल क्लास को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि इनको सपोर्ट करेंगे तो हमको ही फ़ायदा है, बिकॉज हमें भी क्या मिलेगा, इक्वल राइट्स मिल जाएगा. तो यहाँ पर पीजेंट्री वाले और द न्यू मिडिल क्लास, इन लोगों ने मिल करके अपने लिए क्या किया, एक वहाँ पर एक मतलब कि राष्ट्रीय एकता को विकसित किया. ठीक है, उन लोगों ने मिल करके अपने लिए एक थिंक, एक थॉट वहाँ पर स्टेबलाइज किया नेशंस के लिए. वहाँ पर जो है इस तरह से जो है इनके बीच में जो है, क्योंकि ये जो द न्यू मिडिल क्लास वाले थे ये बहुत ही मतलब पढ़े लिखे एजुकेटेड बिजनेसमैन लोग थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई क्लास वाले मतलब पढ़े लिखे थे, अमीर भले ही नहीं थे लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और इनको पता था कि सही क्या है और गलत क्या है, और ये ऐसा नहीं देख सकते थे जो हो रहा था. तो यहाँ पर क्या हुआ कि
एट लास्ट में क्या हुआ, इट वॉज एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी. यहाँ पर जो मतलब कि जो अमीर लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, उनको हटाने के बाद जो यहाँ पर मिडिल क्लास और जो पीजेंट्री थे उनके बीच में क्या होने लगा, एक नेशन की भावना स्टार्ट होने लगी. ठीक है, नेशनलिज्म जो है इस तरह से स्टार्ट हुआ. तो अब आप सोच सकते हैं कि अभी तक जो है सब चीज़ अलग अलग है, सबकी थॉट अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबकी लैंग्वेज अलग है. कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई इटली बोल रहा है, कोई मैग्यार बोल रहा है, सब अलग अलग बोल रहा है. लेकिन फिर भी इनमें क्या है, एक चीज़ है कि इन सभी को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए. इन सभी को क्या चाहिए, इन सभी को लॉ चाहिए, इक्वालिटी चाहिए. तो जो कि सिर्फ केवल एक उनके एरिस्टोक्रेट्स के पास था, बट ये जो ज़्यादा संख्या के लोग हैं इनके पास नहीं था. और आपको भी पता है कि जिसकी मेजॉरिटी होती है उसी का ही बोलबाला होता है. तो यहाँ पर वही चीज़ हुआ. ठीक है, जैसे कि उन लोगों ने कहा कि आपका पैसा बोलता है तो हमारा भी पैसा जो है चुप नहीं बैठेगा. इन लोगों ने ऐसा सोचा, ये मिडिल क्लास वालों ने जो है प्रेजेंट्री वालों को इस चीज़ के लिए जो है वो मतलब कि आगे किया. ठीक है, बढ़ावा दिया उन्हें, कहा कि ठीक है आपके पास भले ही पैसे नहीं है बट आप जो है इसके लिए लड़ सकते हैं, आप जो है इक्वालिटी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आप बस साथ तो दीजिए. तो इन लोगों ने जो है अपना जो है साथ दिया. और फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्ट होगा नेशनलिज्म. तो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी कि जो यहाँ पर लिबरल नेशनलिज्म है उसका मतलब कि क्या मतलब था. तो आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनाइटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइन टू द आइडेंटिटी ऑफ लिबरलिज्म. मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यूरोप में 19th सेंचुरी में स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लिबरलिज्म मतलब यहाँ पर राष्ट्रवाद जो है उसके लिए क्या होने लगे, वहाँ उनके मन में क्या होने लगे, विचार आने लगे. ठीक है, अब एक ये नया वर्ड है, ये टर्म जो है लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है इसे समझ लीजिए. तो द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री. यानी जो लिबरलिज्म शब्द है वो लैटिन के लिबर से बना है जिसका मतलब होता है फ्रीडम, फ्री, आज़ाद. तो फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. मतलब यहाँ पर जो द न्यू मिडिल क्लास थे उनके हिसाब से लिबरलिज्म का मतलब है इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए फ्रीडम और इक्वालिटी, सबके लिए कानून के सामने, लॉ के सामने इक्वालिटी. ठीक है, ये मतलब है ये लिबरलिटी का. तो अभी जो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, तो यही रीज़न है, यही मतलब है उसका. इसका मतलब है कि इक्वालिटी एंड फ्रीडम. ठीक है, ये आप क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं. एंड पॉलिटिकली इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट. और अगर पॉलिटिकली देखा जाए, राजनीतिक रूप से देखा जाए, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि वहाँ के मतलब जनता के थ्रू जो है इलेक्ट किया जाए. ठीक है, एक ऐसा गवर्नमेंट बने जो कंसेंट हो. ठीक है, कंसेंट का मतलब है कि जिस पर क्या हो कि हमारा हक हो. ठीक है, सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैज़ हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी एंड द क्लेरिकल प्रिविलेज कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रो पार्लियामेंट. तो यहाँ पर क्या होने लगा कि जैसे कि आपको पता है कि जो फ्रेंच थे, ठीक है, फ्रेंच के बाद क्या होने लगा कि यहाँ पर जो है जो भी निरंकुश शासक है, मीन्स यहाँ पर जो भी ये जो आपके एरिस्टोक्रेसी वगैरह थे, इन सब का क्या होने लगा, वहाँ पर क्या होने लगा, समाप्त होने लगे, वो ख़त्म होने लगे. और फिर यहाँ पर क्या होने लगा कि लिबरलिज्म जो है स्टार्ट होना शुरू हो गया. एंड 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड एट द इनवोलियबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. यानी कि यहाँ पर जो है 19th सेंचुरी में क्या होने लगा कि लोगों के बीच में जो है अपनी एक खुद की जो है वहाँ पर एक लॉ बनना चाहिए, खुद का एक संपत्ति होना चाहिए, उस पर जो है उन लोगों ने जोर देना शुरू कर दिया. ठीक है, इस तरह से उनके बीच में जो है वो आइडिया आने लगा. अब ये एक और है, यहाँ पे एक वर्ड है, इसके पहले यहाँ पे समझते हैं कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर
द यूनिवर्सल सफ्रेज। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और है कि लेकिन यह ज़रूरी नहीं था कि जो कानून है उसके सामने सबकी बराबरी का जो विचार है वो सबके सफ्रेज हो, मतलब पक्ष में हो। अब ये नया वर्ड है सफ्रेज का, मतलब क्या है? द राइट टू वोट, मतलब ऐसा मतलब कि वोट जो सबके लिए, मतलब जिसमें सबकी सहमति हो। तो ऐसा करने के लिए सबके सेम थिंकिंग भी होनी चाहिए, ठीक है? सबको ये चीज़ सोचना ज़रूरी है कि सबके लिए इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो सबके माइंड भी उसी टाइप से सेट होने चाहिए। और आपको याद भी होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी यही चीज़ हुई थी कि स्टार्टिंग में जो था वो मतलब कि लोगों के पास जो है, जो भी वहाँ पर जिनके पास पावर है सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे। फिर बाद में नेपोलियन आए थे, नेपोलियन ने भी यही किया कि जो फीमेल्स थे उनको जो है उनके फादर्स और उनके हस्बैंड्स के मतलब कि अंडर में कर दिया। लेकिन फिर भी लोगों के बीच में जो है लास्ट में क्या हुआ, वहाँ पर एक तरह का वहाँ पर भी जो है एक मोमेंट हुआ, ठीक है, मोमेंट हुए वहाँ पर भी। फिर लास्ट में लोगों ने उसके भी क्या किया, उसके भी अगेंस्ट हो गए लोग। तो एंड द इकोनॉमिक स्पेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र में जो उदारवाद और बाज़ारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के जो भी आने जाने के राज्य में जो भी कर हैं, टैक्स जो लगाए जाते हैं, उनको जो है फिनिश करना है। ये लोगों के मन में जो है अब आइडिया आना स्टार्ट होने लगा, ठीक है? अब लोग जो है ये चीज़ सोचना स्टार्ट कर दिए कि जो है सबके लिए क्वालिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। तो 19th सेंचुरी के बीच में जो आप देख रहे हैं कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हाई डिमांड है मिडिल क्लास वालों के लिए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ द काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो नेपोलियन के प्रशासनिक अगर जो कदमों में अगर आप देखेंगे तो उसने बहुत सारे अनगिनत 39 ऐसे स्टेट्स थे जिनमें क्या बना दिया था, उसने एक अपना एक महासंघ बना दिया था और सबकी अपनी अपनी उसने एक अलग अलग जो है वो नाप तौल के लिए मतलब अलग अलग वेट्स, अलग अलग करेंसी जो इसने स्टार्ट की थी, ठीक है? जैसे कि आ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1838 फ्रॉम हैब्सबर्ग टू न्यूमरनबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड had to pass through the 11 custom barriers and the pay a custom duties of about 5% at each of the 9 them to at each of the ऑफ द देम। मतलब यहाँ पर क्या होने लगा, जैसे 1838 में जो हैब्सबर्ग थे उससे हैब्सबर्ग से न्यूमर्क जा करके जो भी लोग अपने गुड्स को बेचते थे, ठीक है, जो भी व्यापारी लोग थे सबको क्या करना पड़ता था कि वहाँ पर जो है 5% जो है वो जो है लास्ट में बाउंड्री में जो जा करके सीमा पर जा करके टैक्स देना पड़ता था। और इतना ही नहीं, सबके जो थे वो अलग अलग चेंज मतलब अलग अलग जो थे वो एक मतलब कि जो वेटेज थे, जो करेंसीज थी, वो उसको भी अलग अलग कर दी गई। जैसे कि यहाँ पर क्या था, एक एले था। एले क्या होता है, एक नाप तौल का एक कपड़ा नापने का पैमाना होता है, जिसमें क्या था कि जैसे जगह बदलता था तो वो लंबाई जो थी वो भी चेंज हो जाती थी। जैसे कि अगर कहा जाए कि अगर कोई जो है मान लीजिए कहीं पर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए उसने कोई फ्रैंकफर्ट में कोई कपड़ा ख़रीदा था तो वहाँ पर जो है वो जो है 54.7 सेंटीमीटर का मिलता है, और वही कपड़ा उसने अगर मेंज में लिया है तो 55.1 सेंटीमीटर का है। वही अगर न्यूरेमबर्ग में लिया है तो 65.6 सेंटीमीटर का है, फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर का है। तो सबके लिए अलग अलग जो है उसने एक माप तौल की जो है वहाँ पर एक सीमा बना दी। तो ये जो है सही नहीं था, ठीक है, सबके लिए अलग अलग उसने कर दिया, ये चीज़ सही नहीं थी। तो अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, ये चीज़ लोगों ने सोचा कि अब ऐसा क्या किया जाए, ठीक है, इस चीज़ को कैसे फिनिश किया जाए। तो 1834 में जो है वो जॉलवेरिन आया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको जो है समझना ज़रूरी है, बिकॉज ये जो है आपका मतलब पेपर में आया था पिछले साल जो है 2019 में पूछा था कि जॉलवेरिन क्या है या फिर इसके लिए मतलब कि क्यों ये स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1834 अ कस्टम यूनियंस और जॉलवेरिन वॉज फॉर्म्ड एट
इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड ज्वाइन बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। 1834 में प्रशिया ने क्या किया, एक ज्वालवरीन मतलब वहाँ पर क्या एक यूनियन स्टेट है ये, ठीक है, सॉरी कस्टम्स यूनियन है, इसको क्या किया, बनाया, स्टेबलाइज किया, जिसमें जो है मैक्सिमम जो है वो जर्मन वाले लोग ही क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, ठीक है। द यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम द ओवर 32। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो जॉलवरिन जो है, इसने क्या किया, जो भी अभी तक बहुत ज़्यादा जो करेंसीज थी उसको फिनिश कर दी, ठीक है, और जो 30 से ऊपर थी उसको फिनिश कर दी, उसने ख़त्म कर दी, 30 में से सिर्फ 28 को उसने फिनिश कर दी। और वहाँ पर क्या हुआ, सब जितनी भी करेंसीज थी इतनी ज़्यादा फैली हुई थी, ठीक है, कहीं पर कोई मेज़र कर रहा है, कहीं पर कोई मेज़र कर रहा है, कोई भी इक्वालिटी नहीं है, तो इसको उसने फिनिश कर दिया, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्डनिशिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। यहाँ पर इसके अलावा रेलवे ने जाल में क्या किया, जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और जो भी इकोनॉमिक है उनके हित के लिए क्या किया, वहाँ पर एक उसने भी एक यूनियन बना दिया, ठीक है, सबके लिए इक्वालिटी कर दी वहाँ पर रेलवे वालों ने भी। तो फिर इस तरह से क्या हुआ कि लोगों में जो है इक्वालिटीज स्टार्ट हुई धीरे धीरे। फिर 1815 के बाद क्या हुआ, एक नया रूढ़िवाद हुआ, ठीक है, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। यहाँ पर क्या हुआ कि फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाई स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। 1815 में नेपोलियन जब हार चुका था उसके बाद एक नया विचार आया जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। ये क्या होता है कंजर्वेटिज्म, यहाँ पर देखिए ये क्या है, अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस्ड द ऑफ ट्रेडिशन स्टेबलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। मतलब एक ऐसा पॉलिटिकल जो है चेंज मतलब परंपरा जो कि पुराने रीति रिवाजों पर ही क्या करता है जोर देता आ रहा हो, वो है आपका कंजर्वेटिज्म। यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक होगी कंजर्वेटिज्म और एक आपका होता है रिवोल्यूशनरी। कंजर्वेटिज्म वाले वो लोग थे जो कि यहाँ पर आपके एरिस्टोक्रेसी वाले थे, ठीक है, इनका क्या कहना था कंजर्वेटिज्म का, ये वही लोग थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया था, ठीक है, और दे वांट ओनली मोनार्की सिस्टम एंड इट इज़ द थॉट ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। ये वही थे जो एरिस्टोक्रेट्स के क्या थे, विचार को जो है वो सहमति देते थे, उन्हीं को सिर्फ मानते थे, ठीक है, ये ऐसा नहीं चाहते थे कि नेपोलियन के जो बाद जो भी शासन हुआ, ठीक है, जो भी चीज़ बनी वहाँ पर, ये ऐसा नहीं चाहते थे कि मतलब कि सबको इक्वालिटी मिले, इनके मन में ये भावना नहीं थी, ठीक है, ये चीज़ ये नहीं चाहते थे। तो अब क्या हुआ कि 1815 में आपको पता है कि नेपोलियन जो था वो हार चुका है, ठीक है, कैसे हारा है, वो उसको जो है प्राब ने मिलकर के हरा दिया है। मींस प्राब का मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये प्रशिया, ठीक है, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ठीक है, इन लोगों ने मिल करके जो है आपके नेपोलियन जो है इनको तो इसको तो हरा दिया, ठीक है, और उसने बदले में क्या किया, उसने एक वियना ट्रीटी ऑफ वियना जो है उसको साइन किया। और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसके लिए उसने क्या किया, चांसलर ड्यूक मेटरनिक को क्या किया उसने वहाँ पर उसकी क्या की, वहाँ पर उसकी मेज़बानी की, यानी कि उसने वहाँ पर जो है मेन हेड के रूप में वहाँ पर वो बना, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक चांसलर थे, ठीक है, ड्यूक मेटरनिक वो थे यहाँ पर जो बना था, ठीक है। तो इस तरह से जो है 1815 में जो है नेपोलियन तो हार गया, बट उसकी जगह पर जो है फिर से वहाँ पर जो है आपका ये जो है फिर से इस टाइप की चीज़ें जो स्टार्ट होने लगी, ठीक है, ये कंजर्वेटिज्म की थिंकिंग आने लगी लोगों के अंदर। लेकिन ये थिंकिंग सिर्फ केवल आपके जो एरिस्टोक्रेट्स थे सिर्फ उन्हीं के बारे में बात बताई गई है, लेकिन जो द न्यू मिडिल क्लास और जो आपके पेजेंट्री वाले लोग थे उनके मन में सिर्फ जो है वो रिवोल्यूशनरी जो है वो स्टार्ट है माइंड में, मतलब कि वो चाहते हैं कि उनको जो है डेमोक्रेसी मिले और नेशनलिज्म स्टार्ट हो जाए। तो अब आपको यहाँ पे ये थिंकिंग जाननी है रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, द रिवोल्यूशनरीज क्या है, ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ द रिप्रेशन ड्रॉव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट्स अंडरग्राउंड। 1815 के बाद में क्या होने लगा, बहुत से जो भी वहाँ पर क्या थे नेशनलिज्म थे वो क्या होने लगे, अंडरग्राउंड होने लगे, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंड अप
इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। यानी कि बहुत सारे यूरोपी जो थे उन लोगों के मन में क्या होने लगे, उनको ट्रेनिंग देने लगे, उनको विचार आने लगे कि जो है हमें क्या करना चाहिए, अब नेशनलिज्म को स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिवॉल्यूशनरीज जो थे इनके सिर्फ माइंड में बस यही था कि अब हमें जो है फ्रीडम गॉट करनी है, हमें फ्रीडम लेना है, कैसे भी करके हमें फ्री होना है। तो ये जो रिवॉल्यूशनरीज हैं इन्हीं के आइडिया है। ये है किसका आइडिया? ये है आपके द न्यू मिडिल क्लास वाले एंड प्रेजेंट्री वाले। ठीक है, ये उन्हीं का जो है आइडिया है। एंड यहाँ पे क्या था दोस्तों, द मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका यही मानना था कि अगर जो है रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करना है तो उसके लिए मतलब कि सबके अंदर क्या होना चाहिए, नेशनलिज्म जो है वो मतलब नेशन की जो भावना है वो आ जानी चाहिए। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरीज के माइंड में यही सारी चीज़ें चलती थी और लोगों को इक्वालिटी देना उनके माइंड में था। तो ऐसा ही एक माइंड में एक विचार आता है, ठीक है, मतलब माइंड में एक थिंकिंग आती है। और एक था, उसका नाम था यहाँ पर जिसका नाम था गॉसिपी मेजनी, मीन्स यहाँ पर जो है जिसको हम कहते हैं मेजनी जो है, इसके थिंकिंग के कारण ही लोगों के अंदर जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर क्या, वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवॉल्यूशनरी गॉसिपी मेजनी, बॉर्न इन जिनेवा इन 1807। ही बिकेम अ मेम्बर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मतलब इंसान था जो 1807 में जिनेवा में जो बॉर्न हुआ है, उसने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा ग्रुप बनाया था और वो जो है रिवॉल्यूशनरी का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। ठीक है, और एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन ल्यूगिया। मीन्स उसने क्या किया कि जो 24 ईयर्स में उसने क्या किया कि उसको जो है रिवॉल्यूशन के कारण जो है इस नेशन से जो है बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, उसको लिगुरिया से जो है वो बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो वहाँ पर जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहता था। और फिर उसके बाद जो है लास्ट में उसने क्या किया कि दूसरे और भी स्टेट्स थे जैसे कि इटली वगैरह में, यूरोप वगैरह में, उसने क्या किए, उसने अपने विचार रखे, लोगों के मन में जो है ये चीज़ें उसने लाने स्टार्ट कर दी कि रिवॉल्यूशनरी जो है सबके मन में आना चाहिए, तभी आपको जो है इक्वालिटी मिलेगी। और लास्ट में जो ये आपका जो मैटरनिक है उसने भी क्या किया कि उसने जो है उसको मतलब कि सोशल के लिए एक बहुत ही बड़ा जो है डेंजर बताया। ठीक है, मैटरनिक डिस्क्राइब हिम एज अ मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। उसको जो है इस तरह का जो है एक तरह का उसने मतलब कि दुश्मन बता दिया अपने नेशंस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सारे लोग थे इनके मन के विचार ही हैं जिनकी वजह से जो है यहाँ पर जो है यूरोप में जो है नेशनलिज्म जो है स्टार्ट हो गया। तो इस पार्ट में जो है इस तरह से जो है हमने देखा कि यूरोप में नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये देखते हैं कि जो नेशनलिज्म है वो सभी कंट्रीज़ में कैसे मतलब यूरोप के सारे कंट्रीज़ में कैसे होगा, तो उसको हम कहते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो उसे हम अभी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।